सो हेलो एंड मैं हूँ निखिल। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल निखिल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग Redmi 6 Black जो मोबाइल आता है उस मोबाइल के अंदर किस तरह से आप लोग OTG कनेक्शन करेंगे और OTG कनेक्शन करने के बाद कैसे आप लोग कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो को किस तरह से एक दूसरे फोल्डर में या किसी भी पेन ड्राइव के अंदर आपको डालना है तो कैसे आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटली बताऊंगा किस तरह से जो है कनेक्शन होगा और कैसे कॉपी पेस्ट यहाँ पर आप लोग करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जो देखिएगा और चैनल पर नया होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो इस तरह की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर आती रहेगी। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरे हाथ में Redmi 6 मोबाइल, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग जो इस मोबाइल के अंदर OTG कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पीछे जो है कवर लग रहा है, अगर आपके मोबाइल के अंदर भी कवर लग रहा है तो इसे आप लोग सबसे पहले हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैं इसे यहाँ पर से हटा देता हूँ कवर को, सो जस्ट अ मिनट। सो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने हटा दिया है, Redmi 6 Black मोबाइल है यहाँ पर, तो मैं इसे देखिए यहाँ पे ऑफ मैंने कर दिया है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मेरी रिंग जा रही है किसी के। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, अब इस मोबाइल के अंदर जो है यहाँ पर मेरे हाथ में एक OTG और साथ ही साथ एक पेन ड्राइव है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें एक OTG जो है यहाँ पर लगा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग इसमें भी देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने OTG लगा दी है। OTG लगाने के बाद अब देखिए मैं इसके अंदर पेन ड्राइव जो है कनेक्ट कर देता हूँ। तो जस्ट अ मिनट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी है। कनेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ देखें यहाँ पर आ गया है चेकिंग सोनी USB ड्राइव। तो इसका मतलब जैसे कि ये देखिए आप, यहाँ पर जो है हमारा आ चुका है। तो फ्रेंड जैसे कि अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हमारा फाइल मैनेजर के अंदर जितने भी फोल्डर्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये तो जो हमारा जो है कनेक्शन हो चुका है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए मुझे कोई भी एक फ़ोटो अगर आपने पेन ड्राइव में डाला तो मैं किस तरह से डालूंगा। तो फ्रेंड्स सपोज जैसे कि ये जो फोटो है, ये जो यहाँ पर मेरा एक फोटो है, थंबनेल के लिए इस फोटो को मैं यूज़ करता हूँ जैसे कि आप लोग पता होगा। तो इस फोटो को मैं अपने पेन ड्राइव के अंदर कैसे डालता हूँ, तो यहाँ से मैं इसे कर दूंगा कॉपी। तो जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। सो एक सेकेंड, ये सो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर हमने इसे कॉपी कर लिया है और इसे यहाँ पर से हम USB स्टोरेज पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो जिस भी फोल्डर में अगर आप लोग चाहें उस फोल्डर में आप लोग यहाँ पर ये फोटो डाल सकते हैं। और अगर आप लोग नया फोल्डर चाहते हैं तो ये मोर का ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक करिए और क्रिएट फोल्डर पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक फोल्डर अलग से आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर देखिए मेरा कोई भी एक फोल्डर जो है आ जाएगा इजीली। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद ये फोटो जो है हमारा USB के अंदर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग जो अपने फोन USB को कनेक्ट कर सकते हैं Redmi 6 मोबाइल के अंदर, और इस मोबाइल के अंदर जो है आप लोग इजीली कोई भी OTG या कोई भी पेन ड्राइव या कोई भी माउस या कोई भी कीबोर्ड या कोई भी अलग से आप कोई चीज़ अगर आपके पास है तो उसी भी आप लोग Redmi 6 मोबाइल के अंदर, आपके पास OTG होनी जरूरी है तभी आप लोग जो है कोई भी माउस वगैरह को कनेक्ट कर पाएंगे। सो फिर आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आए इसलिए। तो गाइस, अब मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।